मथुरा के बलदेव में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान मौजूद हैं। किसान यूनियन के एक कार्यकर्ता ने बताया कि हमारी कुछ मुख्य मांगें हैं जिनको लेकर इस धरने पर बैठे हैं। हमारी सबसे पहली मांग विद्युत विभाग और बलदेव कट को लेकर है। विद्युत विभाग से बहुत सारी परेशानियां हैं, इसको लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे में से मात्र 5 घंटे ही लाइट दी जा रही है, जबकि किसानों को कम से कम 20 और 22 घंटे लाइट चाहिए। हमारे पास विद्युत विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और एसडीएम भी आए हैं। जब उनसे इस संबंध में बात की तो अधिकारियों का कहना है कि वे कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर मंत्री जी का दबाव है, जिसको लेकर मौजूदा लोगों ने श्रीकांत शर्मा के नाम एक ज्ञापन दिया और चेतावनी दी, जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक उनकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। धरना चल रहा है, किन मांगों को लेकर है, कितने दिन तक के लिए चलेगा? देखिए, 4 दिन हो गए आज हमें, और हमारी बस 2 ही मांगे हैं, एक विद्युत विभाग से संबंधित है और एक बलदेव कट को लेकर। विद्युत विभाग से बहुत सारी समस्याएं, कई बार हमने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है और कई बार अधिकारियों के साथ बात भी हुई है। करीबन मेरे कार्यकाल को 2.5 साल हो गया, और 2.5 साल में मुझे लगता है मैंने बहुत आंदोलन और बहुत प्रदर्शन किए, मगर इसका रिजल्ट 0 निकला। इसको लेके हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। अभी हमारा बलदेव जो है डार्क जोन में, डार्क जोन का मतलब होता है कि वाटर लेवल नीचे चली जाती है, उसको डार्क जोन घोषित कर देती हैं, और डार्क जोन होने के कारण ये विद्युत विभाग जो सिंचाई के लिए किसानों को सप्लाई दे रहा है ट्यूबवेलों के लिए, वो 4 से मात्र 5 घंटे दे रहा है, जबकि 20 और 22 घंटे कम से कम किसान को सप्लाई मिलनी चाहिए। जब ही और उसमें भी ब्रेकडाउन होता रहता है, 2 घंटे दे दे दी, आधा घंटा दे दी, 20 मिनट, जब पानी खेत तक पहुंचता है तभी बिजली चली जाती है। सबसे बड़ी समस्या विद्युत विभाग की किसानों के साथ यहाँ चल रही है। देहातों में ये दावा कर रहे हैं कि हम 18 घंटे दे रहे हैं, देहातों में कोई हाल है, 9 से 10 घंटे बिजली दी जा रही है, और सिंचाई के लिए 4 से 5 लास्ट 6 घंटे, वो भी ब्रेकडाउन के, कभी शटडाउन ले लिया, वो भी टुकड़े टुकड़े में दी जा रही है। तो हम जब तक नहीं हटेंगे, वैसे अभी यहाँ पे उस दिन एक्सीएन, एसडीओ और एसडीएम साहब, कल भी कई अधिकारी आए, आज हमने ऊर्जा मंत्री के लिए, जो माननीय ऊर्जा मंत्री हमारे श्रीकांत शर्मा जी हैं, उनके लिए हमने अपना निजी लघु से एक ज्ञापन लिखा है कि आप आएँ और जनता के बीच में बताएं। अधिकारियों से हम बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, अधिकारी कहते हैं हमें मंत्री जी का दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मंत्री ये बताएं कि आपका दबाव है या आपके नाम का ये सहारा अधिकारी ले रहे हैं? तब तक ये धरना चलता रहेगा तब तक माननीय ऊर्जा मंत्री यहाँ के आश्वस्त नहीं करते हैं। नारायण जी, आज आप यहाँ पर आए हैं किसान यूनियन के धरने में, आगे आप बैठे हैं, क्या है मुख्य उद्देश्य आने का? मैंने तो मीडिया के माध्यम से ही सुना और देखा, और इनका कई दिन से चल रहा है, भूख हड़ताल भी है, तो यहाँ पर आए हम लोग। ये जो सरकार है और प्रशासनिक एकदम प्राइवेट कंपनी का काम कर रही है, कोई जैसे प्रशासन को करना चाहिए अपने अधिकार क्षेत्र में, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है कि जब IAS, SDM जैसे, DM जैसे धरना देते हैं प्रतापगढ़ के अंदर अपनी समस्या को लेकर के, तो आखिर न्याय किसको मिलेगा? न्याय तो मिलने वाला है नहीं। जब DM है, IAS है, वो धरना दे रहे और शाम तक दे रहे, और उसके बाद उन लोगों का क्या किया इन्होंने ट्रांसफर? तो ये लोग हिटलर शाही, तानाशाही कर रहे हैं। हम किसान यूनियन को पूर्ण रूप से अपना, मैं किसान गरीब मजदूर का एकता का अध्यक्ष हूँ, पूर्ण रूप से मेरा इनको समर्थन है। इनकी जो मांग है वो जायज है। बिजली तो वास्तव में ऐसी है जो हर किसी को चाहिए, इसमें चाहे वो शहर का हो, चाहे वो गांव का हो, कहीं का रहने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इनकी मांग को पूरा किया जाए, और नहीं तो हम इन लोगों के साथ जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी इनको, और जब चाहे रात के 12 बजे जरूरत पड़े, हम हर लड़ाई में इनका साथ देंगे।